यूपी की राजनीति में हमेशा से बाहुबली नेताओं का दबदबा रहा है। अपने रसूख के दम पर ये माननीय चुनावी बयार का रुख अपनी तरफ मोड़ने में माहिर रहे हैं, लेकिन मंत्री रहते हुए सजा पाने वाले एमएसएमई मंत्री राकेश सचान शायद पहले कैबिनेट मंत्री हैं जिन्हें अदालत ने किसी आपराधिक मामले में दोषी करार दिया है। उन्हें एक साल की सजा हुई और उन्हें उच्च न्यायालय अपील करने का मौका भी मिला, जहां से उन्हें 50,000 मुचलके पर जमानत दे दी गई। एसपी से बीजेपी में आए और मंत्री बने राकेश सचान का सियासी सफर आगे कौन सी करवट लेगा, ये कोर्ट के आगे के रुख पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। कुछ माननीय तो ऐसे रहे जिनके आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई, कुछ तो अभी लंबे समय से जेल में हैं। मंत्री पद से हटने के बाद भी कई नेताओं को जेल की सजा मिली। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी वर्तमान में विधायक है, उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो इस समय फरार है। दूसरे विधायक नाहिद हसन जेल में हैं। अशोक चंदेल विधायक और सांसद रहे, इस समय जेल में हैं। वो कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। गायत्री प्रजापति तो मंत्री रहे, वो भी अभी जेल की सजा काट रहे हैं। अमर मणि त्रिपाठी भी यूपी में मंत्री रहे, मधुमिता हत्याकांड में लंबे समय से आजीवन जेल की सजा काट रहे हैं। कुलदीप सेंगर और शेखर तिवारी विधायक रहे, उन्हें भी कारावास की लंबी सजा मिली है। वर्तमान यूपी विधानसभा की बात की जाए तो गंभीर आपराधिक मामले में फंसे विधायकों में बीजेपी के 255 में से 90 यानी 35%, समाजवादी पार्टी के 111 में से 48 यानी 43%, आरएलडी के 8 में से 5 यानी 63%, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 6 में से 4 यानी 67%, निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल के 6 में से 4 यानी 67%, अपना दल सोनेलाल के 12 में से 2 यानी 17%, कांग्रेस के दोनों विधायक, बहुजन समाजवादी पार्टी के जीते एकमात्र विधायक पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे पता चलता है कि यूपी में सियासत और अपराध का गठजोड़ काफी पुराना है। अतीत में किए गए जुर्म जब अंजाम तक पहुँचते हैं तो इनके चमकते सियासी सफर को कभी ब्रेक लग जाता है तो कभी हमेशा हमेशा के लिए सियासत पर पूर्ण विराम लग जाता है।